मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के सीरीज में प्राथमिक स्तर के क्रमांक 29 विषय गणित प्रकरण संख्या श्रृंखला में आज हम लोग कुछ संख्या श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या श्रृंखला कहते किसे हैं ये पहले हमें जान लेना सबसे अधिक जरूरी बात है। संख्या श्रृंखला होती क्या है? किसी विशेष समूह में संख्याओं के सुव्यवस्थित क्रम को संख्या श्रृंखला कहते हैं। किसी विशेष समूह में संख्याओं के सुव्यवस्थित क्रम को संख्या श्रृंखला कहते हैं। अब संख्या श्रृंखला में जो बातें हैं उसमें क्या होती है कि हम संख्या श्रृंखला एक संख्या जो व्यवस्थित क्रम लिखा गया है उसमें किसी संख्या को जोड़कर घटाकर गुणाकर या भाग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला नियम है जब एक संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित जोड़ के साथ आगे बढ़ती हैं तो उसे हम एक विशेष प्रकार की संख्या श्रृंखला कहते हैं जिसमें हम जोड़ कर देखते रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक संख्या श्रृंखला 20 21 23 26 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं 20 ये हमने पहला नियम बता रहा हूँ जोड़ वाला। तो 20 क्या है 20 और 21 के बीच में एक का अंतर 21 और 23 के बीच में दो का अंतर 23 से 26 के बीच में तीन का अंतर। अब यहाँ पे 26 से अगली संख्या के बीच में क्या होगा चार का अंतर आएगा और वह संख्या श्रृंखला में संख्या हो जाएगी 30। तो इसी प्रकार अगर आगे की संख्या लिखना है तो पाँच का अंतर कर देंगे पाँच का अंतर करेंगे तो 30 के आगे जोड़ देंगे आगे पाँच तो हो जाएगा 35। तो ये एक विशेष संख्या श्रृंखला क्रम में ये 20 21 23 26 30 35 की संख्या श्रृंखला एक जोड़कर दो जोड़कर फिर तीन जोड़कर फिर चार जोड़कर फिर पाँच जोड़कर प्राप्त की गई है। तो यानी एक प्रकार की संख्या श्रृंखला को हम क्या कर सकते हैं समान एक क्रम में संख्याओं को जोड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे प्रकार की संख्या श्रृंखला होती है जिसमें कि हम घटाने का काम करते हैं। घटाने के लिए हम क्या करेंगे जब एक ही संख्या श्रृंखला में से एक निश्चित अंतर के साथ घटाते हुए हम आगे बढ़ते हैं एक निश्चित अंतर के साथ घटाते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसे हम घटाने की संख्या श्रृंखला कहते हैं। घटाने की संख्या श्रृंखला में एक निश्चित क्रम में हम क्या करते हैं घटाने का काम करते हैं अंकों को घटाने का काम करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास देखिए एक संख्या लिखी है 100 उसके बाद हमने एक संख्या लिखी 95 फिर 85 फिर हमने लिखा 70 और फिर लिखा 50। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक निश्चित संख्या घटा रहे हैं 100 में से हमने यहाँ -5 किया फिर इसके बाद 85 के लिए हमने क्या किया -10 किया फिर हमने इसके आगे क्या किया -15 किया तो 70 आ गया फिर हमने क्या किया -20 किया तो 50 आ गया फिर अगर हम -25 करेंगे तो यहाँ पे अगली संख्या श्रृंखला हमारी 25 आ जाएगी। तो इस प्रकार हम संख्या श्रृंखला बना सकते हैं कि जिसमें हम एक निश्चित अंतराल वाली संख्याएं क्या करें घटा रहे पहले 5 घटाए फिर 5 का गुणक अगला गुणक लिया हमने 5 दुनी के 10 घटाया फिर तीसरे नंबर पर जब घटाया तो 5 तिहाई 15 घटाया चौथे नंबर पर घटाया तो 5 चौके 20 घटाया पांचवें नंबर पर घटाया तो 50-25 घटाया। तो इस प्रकार घटाते हुए हमने क्या किया संख्या श्रृंखला बना ली। तीसरा प्रकार जो है संख्या श्रृंखला का वह गुणा का है। एक संख्या श्रृंखला को निश्चित संख्या से गुणा करने पर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 1 से 2 से 3 से 4 से गुणा करके हम क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां पर इन्होंने उदाहरण लिया है 2 फिर 4 फिर 12 फिर 48 डॉट 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 आता चला गया है। तो पहले इसको किससे गुणा किया गया है पहले नंबर पे इसको गुणा किया गया है 2 से क्या कहते हैं कि 2 से गुणा किया गया है 2 से गुणा किए तो गुणा किए 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 यहां लिख दिया फिर 4 को गुणा किया हमने 3 से 3 से जब गुणा किया तो 4 तिया 12 हमने लिख दिया फिर 12 को हमने क्या किया गुणा किया 4 से 12 चौक 48 लिख दिया
48 को गुणा करेंगे 5 से, 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 का जीरो, हाथ में लगा 4, 5 चौके 20, 4 24, 240 हो गया। तो इस प्रकार एक संख्या श्रृंखला दे दी गई, 2, 4, 12, 48, 240। तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि एक निश्चित संख्या पहले 2 से गुणा किया गया, फिर अगली संख्या के लिए 3 से, फिर अगली संख्या के लिए 4 से, इसी तरह क्रम से हम बढ़ते हुए चले गए हैं, फिर 5 से, 6 से, 7 से, 8 से एक श्रृंखला हमने गुणा करके बना ली। फिर चौथे नंबर की जो प्रक्रिया हमारी आती है, संख्या श्रृंखला में भाग कैसे दिया जाएगा। जब एक संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक दूसरे से किसी निश्चित संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती हैं, तो वह संख्या श्रृंखला भाग पर आधारित होती है। जैसे हमने यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा था भाग के लिए, भाग के लिए हम लिखते हैं चौथे नंबर पे कोई संख्या, तो अगर हम संख्या श्रृंखला लिखते हैं फोर्थ नंबर पे, तो एक समान संख्या अगर भाग देते समय चल रही है, हम भाग देने की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा भाग की प्रक्रिया हो गई। संख्या श्रृंखला में जब एक समान संख्या से हम भाग दें और भाग देने पे हमारा क्या कहते हैं पैटर्न प्राप्त हो जाए, तो उसे हम भाग की संख्या श्रृंखला कहते हैं। अब जैसे हमने भाग की संख्या श्रृंखला ली, वर्कशीट पे आप देखेंगे तो वर्कशीट पे दिया है 625, 125, 25 और 5 डॉट 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 आता चला गया है। तो यहाँ पे क्या है, हम भाग दे रहे हैं, 625 को हमने 5 से भाग दिया 125, फिर 5 से भाग दिया तो 25 आ गया, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 आ गया, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो 1/5 आएगा, यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं 5 से भाग, निश्चित संख्या 5 से लगातार जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं उनको भाग देकर संख्या बनाया जा रहा है। फिर पांचवा जो हमारा नियम है वह है संख्या श्रृंखला को हम वर्ग करके भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी संख्या को जब संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित वर्ग संख्या से घटती या बढ़ती हैं तो उन्हें हम वर्ग वाला कहते हैं। जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 के वर्ग से घटती या बढ़ती हों तो उसको हम वर्ग वाली संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो वर्ग के हिसाब से क्या आएंगे, तो क्या होगा, जैसे हमने किया 1 का वर्ग, फिर हमने लिखा 2 का वर्ग, फिर लिखा 3 का वर्ग, फिर लिखा 4 का वर्ग, फिर लिखा 5 का वर्ग, यानी संख्या श्रृंखला हमारी क्या दी रहेगी, ये दी रहेगी 1, 4, 9, 16, 25, ये श्रृंखला दी गई है, ये श्रृंखला हमारी दी रहेगी 1, 4, 9, 16, 25। और हम इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या अगली संख्याओं की वर्ग है, 1 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, अगली संख्या लिखना है तो 6 का वर्ग लिखेंगे 36 हो जाएगी, अगला 7 का वर्ग लिखेंगे 49 हो जाएगी, 8 का वर्ग लिखेंगे 64 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम वर्ग संख्याएं लिखकर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तीसरा है घन, घन करके भी हम क्या करते हैं, अगला जो नंबर है छठवां नंबर, किसी संख्या का घन करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसके हम मान को ज्ञात कर सकते हैं। घन करने में हम जैसे लेते हैं संख्याएं हमने ले ली, जैसे हमने ले लिया किसका घन, 1 का घन, 2 का घन पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो ये 1 का वर्ग क्यूब करेंगे तो 1, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 8, 3, 3, 9, 27, 4, 4, 16, 16, 64, अब 50, 25, 5, 125, ये घन के रूप में ये श्रृंखला दी रहेगी।
ये घन के रूप में श्रृंखला है 1, 8, 27, 64 और 125। इस पे आधारित आपको सवाल अभ्यास प्रश्न के रूप में नीचे दिए गए हैं, आप उनको हल कर लेंगे और हल करके उसके आंसर निकाल ले लेंगे। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां वीडियो देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।